फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? तो हमने क्या बनाया थी लास्ट रेसिपी? क्या बनाई थी? आलू का चालू खट्टे तीखे आलू। तो गाइस मस्त था टेस्ट। तो आप लोग ने भी बहुत लोग ने बना के भेजा मेरे को आलू की रेसिपी, बहुत लोग ने बना के भेजे। तो एक क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में के कोकम क्या है, तो हाँ। अभी को बिना बोले बिना बताए अभी लेके आ बोलते मैं वीडियो में बताऊंगी। नहीं मतलब एक नहीं थे बहुत से थे, मतलब हाँ। बाहर देश के भी थे भोजन, तो लोगों को शायद नहीं मालूम है कोकम। हाँ। तो मैं बता दूं ये कोकम इस तरह का रहता है। ये इसके अंदर पानी डाल के रखेंगे तो 15-20 मिनट में इसका अपना रस छूट जाता है। इसको चूर के छन्नी से छान के जो पानी निकाली थी ना मैं वही था। इसको ना ही मैं मिक्सर में पीसी थी, ना ही मैं इसको बॉईल करी थी, कुछ नहीं करी थी, सिर्फ ऐसा ही रखी थी जैसा अपन इमली भिगाते हैं बस उसी तरीके से। तो ये लास्ट वीडियो में इसका कोकम का पानी गया था, तो स्पेशली आज मैंने सिर्फ कोकम बताने के लिए वो लेके आए। हाँ, क्योंकि बहुत बच्चे ने, बहुत बड़े लोग ने, बहुत जन ने मैसेज किए कि आपा ये कोकम क्या होता है। तो कोकम की तो अभी बहुत से लोगों को मालूम पड़ गया रहेगा कि क्या है कोकम, और जो इंडिया में रहते हैं वो लोगों को मालूम है। आधे तो मेरे सब्सक्राइबर ही दूसरे लोगों को बता देते कि आप दुकान पे जाओगे कोकम बोलोगे ना तो मिल जाएगा। मच्छी का सालन बनाने वालों को तो कोकम डेफिनेटली मालूम होगा। तो हमें आज क्या बनाने वाले हो? आज कुछ चटपटा। चिकन कांडी। चिकन कांडी, चिकन स्टिक। गाइस बहुत से लोगों को पता होगा, जाते ना मार्केट में 20 रुपए में मिलता है 5 चिकन के इतने से टुकड़े कांडी में लग के जाते हैं, उसके ऊपर रहता है टमाटर बटाटा। और पांच नहीं रहता है बेटा, सिर्फ 3 पीस रहता है, उसके अंदर सब दूसरा कुछ भरे हुए रहता है। तो आज आप लोगों को वो रेसिपी मिलने वाली है, ये भी बहुत जबरदस्त मजेदार रेसिपी होगी, एंड तक देखना। और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो आइए नजर मारते हैं चिकन कांडी में हमें क्या क्या ऐड करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले लगेगा चिकन, एक टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्ची, सोया सॉस, 2 चम्मच अदरक लहसुन, ये है अजवाइन और ये है कांडी, काली मिरी पाउडर, कॉर्नफ्लावर आटा, कोथमीर, मैदा, ये है लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा, ये लगेगा कलर, जलेबी कलर, ये हमारा गरम मसाला, एक नींबू, नमक, तेल। तो सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन, ये बोनलेस चिकन है 250 ग्राम, ठीक है। इसको मैंने धो के इसमें नमक लगा के 3 घंटे से रखी हूँ। मैं इसमें अदरक लहसुन भी मिला देती थी लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था इसलिए मैं नहीं मिलाई। अब हम डालेंगे इसमें ये 2 चम्मच अदरक लहसुन, ठीक है, ये है थोड़ा सा सोया सॉस और ये है अजवाइन। ये अजवाइन है ना, कभी तंदूरी चिकन फ्राई करें ना घी, उसमें देखो क्या मस्त टेस्ट आता है इसका, अजवाइन का। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद आता है हमारा गरम मसाला, ये भी डालेंगे हम 1/2 चम्मच। अब थोड़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ, इसमें नमक मिले हुआ है 1 चम्मच ऑलरेडी, ठीक है। अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर आटा 2 चम्मच, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें मैदे का आटा। और ये होता है जलेबी कलर, ये ज़्यादा नहीं डालना है लेकिन डालूंगी मैं इतना। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 नींबू,
ये अखा नींबू डालना है, हमने इसमें दही नहीं डाले और वो क्या विनेगर भी नहीं डाले, तो इसलिए हम खाली खटाई के तौर पे नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अच्छा बड़ा नींबू का रस पूरा डालें। अभी इसमें बाकी है एक काली मिरी, काली मिरी भूल गई मैं डालना, ठीक है। अभी इसको अच्छे से मिला देंगे, तो अभी ये मैंने मसाला भिगा के ये रख दी ना पूरे मसाले ऐड करके, अभी इसको मैं रखती हूँ जरा 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम काढ़ी में डालेंगे। लेकिन ये मैं अभी 15 मिनट के लिए रख रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं 3-4 घंटा रखूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गोश्त में मैरिनेट करके एकदम अच्छे से रख दो ना 4-6 घंटे के लिए, क्या मस्त मज़ा आता है फिर चिकन खाने में, सॉफ्टली हो जाता है। अभी हम पहले इसको ऐसा ही रख देंगे, तो जैसा अभी हमने मसाले लगा के रख दिए, अब हमको इसकी भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे अभी ये फीका फीका ऐसा ही नहीं डालेंगे इस में, और हम काढ़ी में डालने से पहले इसको क्या करेंगे सिर्फ एक साथ ले के हल्का सा इसमें भी नमक छिड़क देंगे, काली मिर्च छिड़क देंगे ना, नहीं तो ये एकदम फीके लगेंगे। डालने वाले ऐसे ही डाल देते फीका, लेकिन मैं डालती हूँ थोड़ा नमक, ये नमक और काली मिर्च डाल देंगे तो थोड़ा टेस्ट आ जाता है इसमें, नहीं तो डालने वो चिकन अच्छा लगेगा और ये फीका लगेगा। इसको हल्का सा अपन लगा देते थोड़ा सा मसाला, तो हम अभी काढ़ी में लगा देते अपना चिकन भाजी सब। ये चिकन ये जो काढ़ी है ना आपको, ये आपको समोसा पट्टी लेने जाते हैं ना दुकान पे, जो भी दुकान पे आप समोसा पट्टी लेने जाते हो ना, वहाँ जाके आप बोलेंगे ना चिकन काढ़ी तो आपको आराम से मिल जाएगी इजीली। तो अभी हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं पहले शिमला मिर्ची से, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि गेहूँ के ये आगे डालो वो पीछे डालो, आपकी मर्जी है, बस खाना है ना फटाफट डालते रहो जो हाथ में आया, ज़रूरी नहीं है कि ये हाथ में आया तो ये डालना है, ये हाथ में आया तो वो डालना है, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसी तरह से हम अभी सब तैयार कर लेंगे हमारी काढ़ी, और इसमें ज़रूरी नहीं है तो ये आ रहा है या वो आ रहा है, आपके हाथ में जो आया आपको लगाने से मतलब है, खाना अपने को ही है ना। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ आपको, टमाटर और कांदा ये जो मैं लगा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही लगा सकते हैं, आप लोग इसके अंदर फ्लावर की भाजी ऐड करके लगा सकते हैं, फ्लावर की भाजी के साथ साथ आप कद्दू आपकी जो फेवरेट भाजी है वो चिकन के आजू बाजू आप लोग ऐड कर सकते हैं आपकी फेवरेट भाजी, ज़रूरी नहीं है मैं आपको शिमला मिर्ची बता रही हूँ तो आप शिमला मिर्ची ही डालें, या मैं प्याज बता रही हूँ तो आप प्याज ही डालें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भाजी अच्छी लगती आप इसके आगे डाल सकते हैं। पनीर है ना, पनीर ये पनीर टिक्का भी बनता है ऐसा, पनीर कांडी हाँ मस्त बनता है वो, और हाँ चिकन के साथ भी पनीर बन ये भी बन सकता है, मतलब बोलने का मतलब है अगर तुम चिकन बना रहे हो तो चिकन के आजू बाजू भी आप पनीर डाल सकते हो, मेरा बोलने का मतलब समझ गए ना, चिकन के साथ साथ भी आप पनीर ऐड कर सकते हो, बोलने का ये मतलब है मेरा। तो अभी हम तैयार कर दिए मसाले वाले चिकन, हमारी भाजी वेजिटेरियन जो भी है प्याज टमाटर सब कांडी में लग गया है रेडी। अब आप लोग इसको साइड में रख दो। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, बहुत से लोग हल्का सा तेल रख के सेकते हैं, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई करूँगी क्योंकि इसमें मेरे मसाले अच्छे लगे हुए हैं। तो अभी हमारा तेल हो गया है गरम, अब हम इसमें छोड़ेंगे एक एक करके, बिस्मिल्ला।
इसको ना ज्यादा फ्राई नहीं करने का, ये वैसे ही गल गया है नमक से और मसाले से रख के। 2 से 3 मिनट ही पका के निकाल लेना है इसको, नहीं तो कड़क कर लेंगे तो फिर मतलब नहीं है, टेस्ट नहीं आता है। तो ज़्यादा कड़क नहीं करना है, 1 मिनट पलटा देंगे, 1 मिनट बनने के बाद फिर पकाएंगे, 1 मिनट मतलब 2 से 2.5 मिनट तक बनानी है। और जैसा मैं बताई ना आप लोगों को, इसमें मसाला भी अच्छा भरपूर लगे हुआ है। भाजी आप लोगों के हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं, मैंने जो शिमला मिर्ची प्याज डाली आप लोग शिमला मिर्ची के साथ अपना फ्लावर की भाजी, भिंडी की भाजी, कद्दू की भाजी, जो लौकी वगैरह आपको जो पसंद है वो ऐड कर सकते हैं चिकन के साथ। चिकन के बाद में पनीर भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। देख रहे हैं आप लोग मेरा चिकन मस्त फ्राई हो गया है। इसको और ज़्यादा देर रखेंगे ना तो चिकन फिर कड़क होता है। हमको चिकन सॉफ्ट चाहिए ना चिकन। चिकन को कितना भी देर तक आप लगा के रखो हाँ, मसाला अच्छा बनेगा। मेरा मानना है 3 से 4 घंटे रखो, 4 से 6 घंटा भी रखो। अगर जिसके पास फ्रिज है वो मसाला लगा के 1 दिन पहले भी तैयार करके रख सकते, नहीं ख़राब होगा। ये डिफ्रीजर में आप कांडी तैयार करके रखो, आप अपना रोज़ा अफ्तार करने के टाइम पे निकालो, 2-3 कांडी अपना फ्राई करो और अपना रोज़ा अफ्तार करो, ऐसा ये ख़राब नहीं होगा डिफ्रीजर में। सो गाइस चिकन कांडी यानी कि क्या चिकन स्टिक रेडी हो गए, देख सकते हैं आप क्या मजेदार दिख रहा है। वैसे तो दिखे रहेगा ना थोड़ी देर पहले। तो गाइस इसके साथ ना आप चटनी, कौन कौन सी चटनी खा सकते हैं बताओ। कुछ भी नहीं, कोई सॉस के साथ खाता है, कोई ग्रीन चटनी के साथ खाता है, कोई सेजवान चटनी के साथ खाता है, और कोई ऐसा स्टिक उठाता है लंबा पाव लेता है काटता है 2-2, 3-3 स्टिक डाल के खींच के शुरू हो जाता है। वैसे मेरे को ना ज्यादातर ये मतलब जो चिकन ऐसा फ्राई करे रहता है ना दाल चावल के साथ, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो। इसको अभी तो फिलहाल रमजान में तो रुखा ही खाया जाता है। और उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। इसके ऊपर ना ऐसा नींबू निचोड़ने का, ऐसा नींबू और साथ में ना ग्रीन चटनी आती है ना पुदीने की, उसके साथ टच करेगा ऐसा खाने का, तो मतलब मैं अभी डायरेक्ट ऐसी खाऊंगा। वाओ कैसा लगा यार। और साथ में कांदा, असल मजा ही है। तुम खाओ तुम, मैं मार पड़ेगा। इसलिए खट्टा टेस्ट तो जरूर आ रहा होगा क्योंकि मैंने इतना बड़ा डाली हूँ। इसमें मैं बताती हूँ पहले खा के। एक नंबर ही पहुंच जाता ये। रहता है रमे का खाना वजह। बिस्मिल्लाह। तो यार यहाँ पे हम लोग ने शेजवान चटनी ली है साथ में, किंग चाइनीज तड़का रणवीर सिंह की शेजवान चटनी। वाह कैसा हमें कैसा है, कांदा पहले खा लूं फिर बात करती हूँ। इसमें सब फ्लेवर का मसाला और अजवान का टेस्ट तो इतना अच्छा आ रहा है ना। अजवान का टेस्ट में बहुत मसाला इतना मस्त आ रहा है। आप लोग ना ये जैसा मैं मसाला बताई ना, ये मसाला डाल के आप लोग ये बना के देखना फिर मुझे बताना। इसमें ना बहुत से लोग ना बेसन का आटा भी डालते हैं, चने का आटा। तो गाइस सेम एक नंबर है। और तरीके की आपको चिकन स्टिक देखने को मिलेगी, हमें को बहुत तरीके की आती है ऐसी चिकन कांडी बनाने की। इसमें बहुत सारे मसाले ऐड होते हैं। अब बहुत से लोग हरा मसाला पीसते मस्त इसमें मिला देते, वो भी चिकन कांडी में डाल के बनाते। मेरा मसाला ये है। अभी बहुत से लोग ऐसा छोटी छोटी बोटी करके कुछ एडिशनल भी डालते हैं, मतलब चने का आटा भी डालते हैं, फिर मैदा भी डालते हैं, फिर उसमें कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं। मतलब पूरा सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डाल रहे हैं तो ये हटा सकते हैं, ये डाल रहे हैं तो ये हटा सकते हैं, पूरा एक साथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फिर भी मैंने इसमें ना मैदा और कॉर्नफ्लावर डाली हूँ, तो फिर अभी चने का आटे का ज़रूरत नहीं था। कुकिंग टाइम बताओ ना कितने देर में पका।
ये 2 से 2.5 मिनट ही कढ़ाई में रखी हूँ मैंने, ज्यादा नहीं, तो इतना सॉफ्ट बना है। अगर इसको ज्यादा ओवर कुक कर देती थी ना मैं, 5 मिनट या 6 मिनट रखती थी ना, ये बोटी ना ऐसा 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 चबाना पड़ता था। हाँ, कड़क हो जाती है, इसका लिमिट है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी पीस है ना। और इसको मैंने 1 से 2 घंटा पहले नमक लगा के रख दी थी, तो ये अपने आप ही गोश्त एकदम नरम हो गया था पकने से पहले ही लगाने के टाइम में, तो इसलिए 2 मिनट या 3 मिनट बहुत हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। एक नंबर है भाई ऐसा, तो आप लोगों को जो नहीं समझ में मुझे पूछो। अरे कांडी नहीं मिलेगी भाई, लॉकडाउन चालू है। देखो ये तो मेरा बड़ा लड़का जाके ढूंढ के लेके आया कांडी। हाँ, हम लोग 2-3 दिन से ढूंढते, हमको नहीं मिला। मतलब ज्यादा ढूंढा नहीं हो, उसको पता था कहाँ मिलता है ये सामान। तो अम्मी ढूंढ रहे थे, 2-4 दिन से अम्मी बाहर जा रहे थे बाजार में, तो अम्मी देख रहे थे नहीं मिलती। और कोकम का भी जैसा मैंने आप लोगों को बताई हूँ ना कि कोकम बहुत से लोगों को नहीं पता था, जैसा भी मैं बता दी हूँ, और बहुत से लोगों को नहीं मिला, बाय चांस कोकम मिल ही नहीं रहा, तो आप कोकम की जगह पे उतना ही इमली और बढ़ा दो ना। मैं इमली और कोकम दोनों मिला के डाली थी, आप लोग जो क्वांटिटी इसकी इसकी दोनों मिला लो, ऊपर से एक नींबू भी ऐड कर लो, आपका खट्टापन कवर हो जाएगा। मसाला की बात करें, खट्टे एडजस्ट कर सकते, मतलब ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, जैसा बहुत से लोगों को कोकम भी मिला ही नहीं बाई चांस, तो उसके बदले में इमली बढ़ा दो और एक नींबू निचोड़ दो। जब आलू का पूरा हो जाए ना, एक नींबू मस्त निचोड़ लो, आपके वैसे आलू हो जाएंगे, मसाले वही रखो, ठीक है। हाँ। तो चलो तो चलो गाइस, वीडियो में यहीं पे क्लोज करते हैं। और ये कैसा लगा मुझे बताना, लगी रही तो गाइस लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि यार मुझे तो बहुत मजा आया रेसिपी में। आप भी बनाइए घर पे और हमें बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मेरी आइडिया स्ट्रीट फूड जायका की, आप अपनी फोटो बना के मुझे वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखो।